हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर आपको कराने जा रहे हैं। ऑल यूजी कोर्स, ये सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेमेस्टर सेकंड स्टूडेंट दोनों के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट है तो कुछ के पास सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के, तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दें, इससे पहले हमने 5 क्लासेस अपलोड कर रखी है, उन सभी वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट ही लिखा है, सेकंड नहीं लिखा है, लेकिन वो सारी वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड की है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें सेमेस्टर फर्स्ट लिखा है सेकंड वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे पहले हम बता दें, क्लासेस फर्स्ट हमने जो आपको करा रखी है, तो गाइस इससे पहले जो हमने क्लासेस फर्स्ट कराई है उसमें हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड दोनों स्टूडेंट। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन हमने करा रखा था, ये देख लीजिए, आपको वो भी बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन था जो आपका, भारत के संविधान के संघीय और गणतंत्र के रूप में चर्चा कीजिए। क्लासेस सेकंड में क्वेश्चन कम्प्लीट है आपकी। इसके बाद जो क्लासेस थर्ड थी, भारत के संविधान के संघीय गणतंत्र के रूप में कानून का शासन की चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको हमने कंप्लीट करा चुके हैं। और जो इस वीडियो में हम आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया जाता है तथा शक्तियों का पृथक्करण का अर्थ, अवधारणा, महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कराएंगे। इससे पहले हम बता दें, क्लासेस जो फोर में भी हमने क्वेश्चन कराए थे, जो इसको अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन था आपके पेपर में आएगा, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लासेस फाइव में जो आपका क्वेश्चन हमने करा चुके हैं, ये वाला मौलिक कर्तव्य के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था आपका, ये क्लासेस सेकंड में क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा चुके हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन, जो ये भी क्वेश्चन हमने क्लासेस फोर में कम्प्लीट कराया था आपको, भारत के संवैधानिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं, और इससे पहले क्लासेस फाइव में भारत के मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में लिखे। तो टोटल 5 क्लासेस हमारी अपलोड है, तो इसमें हम क्लासेस जो 6 कराने आपको जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले ये सभी वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, इसमें सेमेस्टर फर्स्ट लिखे हैं वीडियो के ऊपर, लेकिन वो सेमेस्टर सेकेंड स्टूडेंट के लिए वीडियो है और फर्स्ट के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में शक्तियों का मतलब, इसका मतलब होता है शक्तियों का जो बंटवारा होता है ना, कैसे किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। सबसे पहले आपको उद्देश्य बताना होता है, तो देखिए, शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। मतलब कि जो शक्तियों का विभाजन करने का मतलब ये होता है कि किसी भी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं हो, कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग मतलब गलत प्रयोग ना कर सके, उसे रोकने के लिए किया जाता है, कि बंटवारा कर दिया जाता है कि कुछ शक्तियाँ इस व्यक्ति के पास होंगे तो कुछ इसी व्यक्ति के पास। अगर सभी शक्तियाँ, मान लीजिए दोनों की शक्तियाँ सिर्फ एक व्यक्ति के पास होंगे, तो इससे क्या होगा, इसकी मनमानी चलेगी, और दोनों के पास में होंगे तो मनमानी नहीं कर सकते एक दूसरे के विरुद्ध में, ठीक है। ये सभी की स्वतंत्रता की गारंटी देगा, समाज को राज्य की सैनिक आंकृत और दमनकारी शक्तियों से सुरक्षित रखेगा, तो ये क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की गारंटी देता है और जो सुरक्षा भी देता है ये लोगों को, और प्रत्येक कार्य को उनके संबंधित कर्तव्यों का कुशल प्रदर्शन के लिए उचित राज्य अंकों को आवंटित करेगा, और उनके जो की कार्य होते हैं उनके लिए प्रशासनिक होते हैं, जो उनके अंग होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनको अकॉर्डिंग आवंटित करेगा, उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब इसकी अवधारणा देख सकते हैं, अरस्तु ने शुरू में इस विचार का उल्लेख शताब्दी ईसा पूर्व में अपने लेखन में किया, जब उन्होंने सरकार की 3 शाखाओं के रूप में आम सभा, निर्वाचित अधिकारियों और न्यायपालिका की पहचान की। तो जो अरस्तु ने क्या बताया कि जो इनकी शताब्दियों में इनकी पहचान करना पहले ही शुरू कर दीजिए, कि जो सरकार को 3 शाखाओं का अकॉर्डिंग विभाजित किया है, तो आम सभा होती है, निर्वाचित होती है, अधिकारी होती है, न्यायपालिका होती है, इनके अकॉर्डिंग सरकार की 3 शाखाओं के बीच अधिक तेजी से अंतर करने के लिए जॉन लोक ने और आगे बढ़ाया, मतलब कि जो 3 शाखाएं होती हैं उनके बीच में अंतर दिखाने के लिए इन्होंने और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका अर्थ, विधायिका कार्य
कार्यकारी शाखा और न्यायपालिका तीन शाखाएं बनाती है जो सरकार की व्यवस्था बनाती है। इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न लेखक अलग अलग परिभाषा प्रदान करते हम इन अवधारणाओं की तीन विशेषताओं का सामान्यकरण कर सकते हैं। तो आपको जो पता है कि एक विधायिका होती है, एक कार्यकारी होती है, एक न्यायपालिका होती है, ये तीनों की तीन शाखाएं होती है अलग अलग, और इनके अकॉर्डिंग इनकी परिभाषा दी जाती है, इनकी अवधारणा को हम समझते हैं, उनकी विशेषताओं को हम जान सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक अंग में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे अंग का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक व्यक्ति एक अंग का कार्य करे तो दूसरे व्यक्ति उस हिस्सा नहीं बन सकता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक अंग में अलग अलग लोगों की सेवा होनी चाहिए। मतलब सभी व्यक्ति का जो अंग होता है, मतलब एक कर्तव्य होता है, अलग अलग होना चाहिए कि तुम्हारा ये काम है तो सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक अंग का संरचना अन्य अंगों के काम करने के तरीके को प्रभावित नहीं करना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति जो काम करे वो दूसरा व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता है। एक अंग के लिए दूसरे अंग के कर्तव्यों को करना अनुचित है, केवल अपने आदेश पर टिके रहना चाहिए। इन व्यापक श्रेणियों को इतने रेखांतित किया गया कि फिर भी भारत जैसे जटिल राष्ट्र में एक शाखा द्वारा दूसरी शाखा पर संघर्ष और अतिक्रम अक्सर होता है। तो जो भारत में ऐसा भी होता है कि इतने करने के बावजूद भी ना जो संघर्ष की भावना देखी जाती है, एक के दूसरे के विरुद्ध, एक शाखा दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करती रहती है। ठीक है, अभी देखिए सिद्धांत का अर्थ, इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो देखिए, विभिन्न राज्य अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन होना क्यों आवश्यक है। जब भी किसी एक स्थानीय सत्ता में शक्ति का संकेंद्रण होता है तो खराब प्रशासन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना हमेशा अधिक होती है। इस नियम का पालन करने से लोकतंत्र की तानाशाही के उद्देश्य से रक्षा होती है। इसके माध्यम से नागरिक को मनमाने शासन से बचाया जाता है। तो मतलब कि जो शक्तियों का विभाजन होने से ये होता है ना कि जो सत्ता किसी खराब व्यक्ति के हाथ में नहीं जाती, एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती, भ्रष्टाचार की संभावना, जो खराब प्रशासन होते हैं उन सबको रोका जा सकता है, उनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है, उनकी संभावना कम हो जाती है, तानाशाही का उदय की रक्षा जो नहीं हो पाती है। तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है कि इसको समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका महत्व, अधिनायकवाद को रोकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये प्रभावी सरकार के विकास में योगदान देता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम है, ये सुनिश्चित करता है कि विधायिका द्वारा कोई मनमाना या गैर कानूनी कानून पारित नहीं किया जा सकता है। तो ये सब कार्य करते हैं इनके अकॉर्डिंग, शक्तियों के विभाजन के अकॉर्डिंग उसके महत्व का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनेगा, देखिए शक्ति पृथक्करण की भारतीय संवैधानिक स्थिति की, जो भारत में किसकी क्या स्थिति है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, संविधान के मौलिक ढांचे, पृथक्करण की धारणा शामिल है, शक्ति भले ही यह दस्तावेज के पाठ में संबंधित ना हो, तो जो संविधान का जो मौलिक ढांचा होता है ना, तो यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक बनना है शक्ति पृथक्करण की भारतीय संवैधानिक स्थिति, मतलब कि जो भारतीय संवैधानिक स्थिति क्या है, शक्तियों के विभाजन के अकॉर्डिंग तो देख सकते हैं। संविधान के मौलिक ढांचे में पृथक्करण की धारणा शामिल है, शक्ति भले ही यह दस्तावेज के पाठ में संबंधित ना हो, इस अवधारणा को विधायिका द्वारा पारित करना कानून द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो विधायिका होती है इसके द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, इस कानून को तोड़ा नहीं जा सकता। संविधान तीन अंगों के कार्य का विशेष संदर्भ देता है, तो मतलब जो संविधान का तीन अंग होते कार्य करने का, आपको पता ही है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, आइए संविधान के कुछ अनुच्छेदों की जांच करें और अलग करने की वकालत करते हैं शक्तियाँ, मतलब कि जो उनकी हम जांच करेंगे उन्हें अलग करने की वकालत कौन करेगा, शक्तियाँ करेंगे, सबके कार्य की शक्तियाँ। अनुच्छेद 50 इस प्रावधान के लिए राज्य के कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं को अलग करने की आवश्यकता है, इनको अलग किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। हालांकि क्योंकि ये राज्य नीति के सिद्धांत द्वारा कवर किया जाता है, ऐसा नहीं है बाध्यकारी है, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत द्वारा इसको कवर किया जाता है, ये बाध्यकारी माना जाता है। राष्ट्र के कार्यकारी नेता के रूप में कुछ परिस्थितियों में विधायक अधिकार आदेश जारी करना का प्रयोग करने की अधिकृत है। विधायकों को क्रम अनुच्छेद 121 और 211 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यों पर चर्चा करने से प्रतिबंध किया गया है।
जो विधायिका होती है, तो ये जो अनुच्छेद है इसके अकॉर्डिंग उन्हें कि जो स्वच्छतम न्यायालय होते हैं उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, उससे रोका जा रहा है। महाभियोग की स्थिति में ही वे ऐसा कर पाते हैं, जो जो इसमें होता है आपातकाल स्थिति होता है या महाभियोग की स्थिति होती है जब ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट प्राप्त है, और इनसे ये छूट प्राप्त होती है अनुच्छेद इसके अकॉर्डिंग राज्यपाल और राष्ट्रपति को, ठीक है। विशेष प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न अंग निरंतर और संतुलन की प्रणाली के भाग के रूप में एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, और उनके जो प्रबंध होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और वो एक दूसरे के कार्य देखते हैं। न्यायपालिका के पास विधायिका और कार्यपालिका का न्यायिक मूल्यांकन करने का अधिकार है। शाखाओं का निर्णय अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून अवैधानिक, मनमाना या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास इसे अमान्य करने का अधिकार है। तो मतलब कि कोई कानून गलत है तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है, यही कार्यकारी गतिविधियों को भी घोषित कर सकता है और जो कानून के विरुद्ध है। कार्यकारी शाखा के प्रदर्शन की भी विधायिका द्वारा जांच की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बावजूद कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है उसके बाद वो कार्यपालिका न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। संवैधानिक प्रतिबंध का सम्मान करते हुए विधायिका भी बदल सकती है निर्णय की नींव, तो जो विधायिका भी चेंज हो सकती है। तो गाइस फाइनली ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर पेपर में आए सकतियों को विभाजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो आप इन्हें लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। इनके पहले की क्लासेज जो 5 तक हमने अपलोड किए नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी क्लासेज का। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।